हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी हट। आज मैं प्रियंका SFR कलर ग्लिटर आई शेडो पैलेट का रिव्यू करने वाली हूँ, तो इसलिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पता चल जाए कि ये आई शेडो पैलेट कैसा है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ब्यूटी हट को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो ये आई शेडो पैलेट ऐसी पैकेजिंग में ही आता है, इसके साथ कोई कवर आपको नहीं मिलता, कोई कार्डबोर्ड पैकेजिंग नहीं मिलती, ये ऐसे ही डायरेक्ट प्लास्टिक पैकेजिंग में आपको मिलता है। यानी बहुत ही लाइट वेट पैलेट है और 10 शेड्स आपको मिल जाते हैं जैसा कि आपको बाहर से ही दिख रहा है, और आपको इसको देखते ही परचेज करने का मन ज़रूर करेगा क्योंकि वाकई इसकी पैकेजिंग तो बिल्कुल A1 है। तो पैकेजिंग में तो मैं इसको 5 out of 5 दूंगी। और यहाँ बैक साइड पर आपको इसकी कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट का आइटम नंबर बता दूँ, तो इसका नंबर है 6912 और कलर है 02। तो अगर आपको भी ये लेना है तो इसका नंबर मैंने आपको बता दिया है। वैसे मैंने ये लोकल शॉप से ही परचेज किया था, ऑनलाइन नहीं मंगाया था। अगर फिर भी मुझे ऑनलाइन का लिंक मिला तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। दूसरा, बात करूँ इसके वेट की, तो इसका वेट सिर्फ 22.5 ग्राम है और इसकी शेल्फ़ लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। 5 साल इसकी शेल्फ़ लाइफ इन्होंने दी हुई है, तो 5 साल तक आप इसको रख के आराम से यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो आई शेडो पैलेट्स ख़राब नहीं होते हैं, तो आप इसको कितने भी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे इसके आई शेडो ग्लिटर्स और ये ऐसे यहाँ से ईजीली ओपन हो जाता है और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे शेड्स हैं इसके। वैसे भी वैलेंटाइन वीक आ रहा है, अगर आप ग्लिटरी आई लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो ये आई शेडो आपके लिए बहुत अच्छा पैकेज रहने वाला है। इसमें ये 10 शेड हैं और सारे के सारे शेड्स ही बहुत प्यारे शेड्स हैं, बस इनकी क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो ये थोड़े टाइम ही चलेगा, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं शेड्स इसके सारे, मैं अभी आपको इनका स्वाच करके भी दिखाऊंगी। इसके साथ आपको वैसे कोई ब्रश नहीं मिलता है, वैसे भी ग्लिटर्स आई शेडो आपको फिंगर की हेल्प से ही लगाने पड़ते हैं क्योंकि इनका पिकअप तभी ज़्यादा अच्छा आता है, ब्रश की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से ये अप्लाई नहीं हो पाते। तो ब्रश नहीं भी दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे 250 रुपये का मिला था और बाकी एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके एरिया का रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अप एंड डाउन रेट हो सकता है। तो शेड्स तो सारे ही बहुत ही शिमरी और अच्छे हैं। तो ये है इसका फर्स्ट शेड ग्रीन कलर और ये ऐसा ग्लिटरी कलर है, बहुत ज़्यादा पिकअप इसका नहीं है। सेकंड जो शेड है इसका वो है ब्लू कलर, बहुत ही अच्छा डार्क ब्लू कलर है ये, काफ़ी अच्छा पिकअप इसका आया है। इस ग्रीन का इतना अच्छा पिकअप नहीं आया था बट इस ब्लू का पिकअप काफ़ी अच्छा है। फिर ये थर्ड वन रेड, वैलेंटाइन डे के लिए तो ये बहुत ही अच्छा कलर रहने वाला है, इसका भी पिकअप काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। फिर ये फोर्थ कलर है, ये थोड़ा सा पिंकिश शेड है, इसका भी कलर बहुत ही अच्छा है। ये लास्ट में गोल्डन कलर आपको मिल जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा कलर है और इसका पिकअप भी अच्छा है। तो ये आप ऊपर वाले सारे 5 शेड्स देख सकते हैं और उनका पिकअप भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप इससे मैच करता हुआ कोई भी आई शेडो अपनी आईलिड्स पर लगाएं, फिर उसके ऊपर ये ग्लिटर अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से अप्लाई करिए। ब्रश की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से नहीं अप्लाई होगा तो इसलिए कोशिश करिएगा फिंगर टिप्स की हेल्प से ही लगाएं। अब मैं ये आपको बाकी के 5 शेड्स का भी पिकअप दिखा देती हूँ। तो ये है सिल्वर कलर और बहुत ही अच्छा इसका पिकअप है। फिर ये नेक्स्ट कलर, इसका भी शेड आप देख सकते हैं, ये है बहुत ही अच्छा सा पिंक शेड। फिर ये एक शेड है और फिर ये गोल्डन शेड। तो इसके भी आप बाकी के 5 शेड्स का भी पिकअप और कलर अच्छे से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस आई शेडो पैलेट से आपको एक आई लुक क्रिएट करके दिखाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मैं आपको इसको आईलेट पर एक बार अप्लाई करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले वैसे आपको एक बेस आई शेडो देना होता है जिसके ऊपर आप कोई भी ग्लिटर अप्लाई करें।
जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इनको आईलेट्स पर अप्लाई कर लिया एंड ये बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ है। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा पैलेट है और प्राइस भी इसका बिल्कुल सही लगा मुझे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक रेंज में ही आपको एक अच्छा पैलेट मिल जाता है। बस इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम है, जो लूज ग्लिटर्स आते हैं उनमें क्वांटिटी अच्छी मिल जाती है और उनका पिकअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इस पैलेट के कंपैरेटिवली। मैं अपने लूज शिमर्स का कलेक्शन शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहो तो मेरी वो वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, मैंने अपनी सारा शिमर कलेक्शन उसमें शेयर किया है। बस इस किट का आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपको एक ही पैलेट में सारे कलर्स मिल जाते हैं, आपको अलग अलग लूज आई शेडोज कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप एक साथ इतने सारे आई शेडोज नहीं ले जा सकते, तो एक सिंगल पैलेट ट्रैवलिंग में ज़्यादा बेटर रहता है, तो ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। ये था मेरा SFR कलर ग्लिटर आई शेडो पैलेट का रिव्यू, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल ब्यूटी हट पर नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।